हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल शूट माय स्टाइल पर। देखिए, आज की वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए हैं, इस थंबनेल में जो आपने देखा कि जो निक्कर सरका हुआ है, जी हाँ, निक्कर आपका जैसी सरका नहीं कि बस समझिए आपके साथ न्यू वीडियो कॉल का स्कैम हो गया। यही सच्चाई है। ये उन सभी लोगों को मानना पड़ेगा जिनके साथ न्यू वीडियो कॉल का स्कैम हो चुका है और जिनके साथ अभी तक न्यू वीडियो कॉल का स्कैम नहीं हुआ है, दोनों को ये मानना पड़ेगा। बिकॉज उसका रीजन है, न्यू वीडियो कॉल के स्कैम में होता क्या है, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि जब भी आपके पास वीडियो कॉल आता है, उस वीडियो कॉल को जब आप एक्सेप्ट करते हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे व्हाट्सएप पर, जब आप वीडियो कॉल को एक्सेप्ट करते हैं और आप देखते हैं कि सामने एक न्यूड लड़की है, वो सब कपड़े उतारती जा रही है, रात का समय है, जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में कोई है भी नहीं, मम्मी पापा उस कमरे में, भाई बहन उस कमरे में, जहां आप बैठे वो खूब आराम से अपना कुछ भी करते रहिए, जितना चाहे हिला लीजिए, तो जब ऐसी स्थिति में आप बैठे हुए होते हैं तो आपका मन हो ही जाता है कि लाओ अपना पैंट या अपना निक्कर भी सरकाई दूं, और बस यही उसको चाहिए होता है जो आपको व्हाट्सएप पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियो कॉल कर रहे हैं। क्योंकि वीडियो कॉल में स्कैमर्स का जो मेन टारगेट है, वो टारगेट यही है कि कब आप अपना कपड़ा उतारें, और जैसे ही आपने अपना कपड़ा उतारा नहीं कि उनका उधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज करके फिर वो आपको भेजते हैं और फिर आपसे डिमांड करते हैं पैसे। अब क्योंकि ये आपको पता होता है कि आपका वीडियो बन चुका है, क्योंकि वो वीडियो क्लिप जो होती है वो आपके साथ शेयर की हुई होती है, उन्होंने आपको भेजी हुई होती है, जब आप उस वीडियो क्लिप को देखते हैं तो आप डर जाते हैं, और ये सब चीजें देखकर कि अब तो वीडियो बन गया है, आप उनकी भी जो डिमांड होती है पैसे की, कि 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, शुरुआती डिमांड होती है, वो आप उनकी भरपाई करना शुरू कर देते। अब उस वक्त चाहे आपको अपने दोस्त से उधार लेना पड़े, चाहे आपको कर्जा लेना पड़े, चाहे घर में चोरी करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, आपको लगता है कि यार ये पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पैसा नहीं दिया तो समझो भैंस पानी। और जब यही स्थिति होती है तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आता है और वो कहते हैं कि सर मैं इस स्कैम में फंस गया हूं, अब मैं कैसे निकलूं। तो जब आप इस स्कैम में फंस चुके होते हैं तब आपके पास केवल दो तीन चारे ही होते हैं। वो दो तीन चारे क्या होते हैं, आइदर आप साइबर क्राइम से कॉन्टेक्ट करें, वहां पर कंप्लेंट करें, लेकिन कंप्लेंट कैसे करनी है उसका भी एक तरीका आपको पता होना चाहिए, या फिर आप किसी ऐसे समझदार आदमी से कॉन्टेक्ट करें जो आपको सही राय दे सके। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिलते हैं, और कुछ तो यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपके साथ 10-10, 20-20 हज़ार की डिमांड रखते हैं, तब आपका केस भी सॉल्व करने की बात करते हैं, और उसके बाद भी वो केस सॉल्व होता है नहीं होता है ये तो भगवान ही जाने। इसलिए आपको हमेशा एक ऐसा बंदा पकड़ना है जो आपको सही राय दे, भले चाहे आपसे छोटा मोटा पैसा ले ले, 10-20 हज़ार, 5-10 हज़ार तो नहीं, बट आप ठीक है छोटी रकम ले ले आपसे और आपकी कोई हेल्प कर दे तो अच्छा है। एटलीस्ट आपको जो और आगे पैसा देना पड़ेगा उस स्कैमर को, उससे तो आप बचेंगे, क्योंकि वो तो आपकी जिंदगी भर आपको पीछे पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको एक बार आपने पैसा दिया तो वो आपसे पैसा लेता रहेगा, क्योंकि वो उसकी भूख है। न्यू वीडियो कॉल के स्कैम को अंजाम ही उसने इससे दिया है, सो दैट कि वो आपकी जेब खाली कर सके, और आप अपनी जेब खाली करवाते चले जा रहे हैं तो उसके लिए आपसे बड़ा मुर्गा और कौन। और जब हम इसी भ्रम में फंस जाते हैं तो हमारे साथ हमारा जो अकाउंट होता है वो पूरा खाली हो जाता है और स्कैम हमारे साथ हो चुका है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि न्यू वीडियो कॉल का जो स्कैम आपके साथ अगर हो रहा है और आपने मेरी वीडियो देख रखी है तो प्लीज समझ जाइए कि जो क्लिप आपके साथ भेजी गई है, क्योंकि उस क्लिप को भेजने के बाद वो आपको बहुत सारी चीजें बताएगा, आपको परेशान भी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है कि आपका वीडियो कहीं वो अपलोड भी कर दे, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ पर सावधानी ये है कि आपको सही कदम क्या उठाना है। तो मेरी इस वीडियो पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है व्हाट्सएप का, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर अगर मुझे लगा कि आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है और आपकी हेल्प करनी चाहिए तो मैं आपको जरूर आपकी कॉल पिक करूंगा, आपका व्हाट्सएप का रिप्लाई भी दूंगा और आपको इस केस से मैं बाहर निकाल दूंगा।
भविष्य में आपके साथ कभी भी इस तरीके का कोई भी स्कैम नहीं हो। तो प्लीज मैं आशा करता हूं कि आप आज की इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि वीडियो कॉल का स्कैम जो है वो कितना खतरनाक है, अगर हो गया है तो क्या करना चाहिए, और ये जो क्लिप है ये अपलोड भी हो सकती है, होगी, ये श्योरिटी नहीं है बट हो सकती है, डिपेंड करता है कि स्कैमर है उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो आपको कितना हराश करना चाहता है, कितना परेशान करना चाहता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो आपको प्लीज ये वीडियो लाइक करनी चाहिए, और आपको लगता है कि आगे भी इस तरह के अपडेट आपको चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तरीके तरीके के जो भी मार्केट में स्कैम होते रहते हैं, फ्रॉड होते रहते हैं, उन पर आए दिन आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा कहना बाय बाय, नमस्कार।